हेलो स्टूडेंट्स, ये जो कल हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर थर्ड लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को चला रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। साथ में उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि ए और बी की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे इनफाइनेटली नंबर ऑफ सोल्यूशन के केस के हिसाब से करेंगे। और आप लोगों को मालूम है इनफाइनेटली नंबर ऑफ हैव इनफाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू की ये कंडीशन है। ये जब स्टार्टिंग के नोट्स थे मैंने उसमें भी लिखी थी, बीच में भी एक दो बार रिवाइज करी है ये कंडीशन मैंने। तो वैसे तो मेरे को लगता है कि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से करा होगा, फिर भी मैंने एक बार आपको समराइज़ कराने के लिए दोबारा से लिख दिया है। जो गिवन कंडीशन है उसको फिर मैंने उसी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसको गिवन जो है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर कर लिया। और आफ्टर कंपैरिजन मैंने इनकी वैल्यू ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू में सब्सिट्यूट कर दी। मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लेनी है। पहले मैंने फर्स्ट केस और ये सेकंड केस इन दोनों को कंबाइन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया और ये कंडीशन ड्राइव हो गई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लिया मैंने। उसके बाद सेकंड और थर्ड को मैंने इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा है और फिर वहाँ से एक कंडीशन और ड्राइव करी है। अब ये दो कंडीशन आ गए मेरे पास, एक में आ गया ए की वैल्यू 5b और एक में आ गया ए इज इक्वल टू 2b प्लस 3। और इसके बाद ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैंने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपैरिजन कर लिया और कंपैरिजन करने के बाद मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और जो बी की वैल्यू कैलकुलेट करी है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सिट्यूट कर दी है, जहाँ से ए की वैल्यू ड्राइव करके मेरे पास आ गई है। यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू कम्प्लीट नोट हो गई। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वो हैव नो सोल्यूशन का केस है और मेरे ख्याल में आप लोगों को हैव नो सोल्यूशन की कंडीशन आपको मालूम ही होगी। उसमें सब्सिट्यूट करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको आपने तीनों मेथड से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमने इस एक्सरसाइज में किया है उससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों मेथड से आपने अलग अलग से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपने वेरिफिकेशन का जो है वेरीफाई करके ये दिखाना है कि तीनों से आंसर सेम आता है। और इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, पेपर में वो पूछ लेता है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आर बाय यूजिंग एलिमिनेशन, तो मेथड का नाम दे के जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह देते हैं। तो आप इसको आप इन तीनों मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।